हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? मैं नितेश शर्मा और आप देख रहे हो NSS न्यूज। दिनांक 12 मई दिन रविवार की सभी खबरों पर आइए नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव को हासिल करने के लिए भाजपा अपनी चुनावी रैलियों का तबड़तोड़ मेहनत करने में लगी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते के अंत में एक बार फिर बंगाल में दो चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा पहली रैली 11 मई को हावड़ा जिले में होगा, जहां पार्टी के दो उम्मीदवार हावड़ा सरद से रद्र चक्रवर्ती और उलबेरिया से अरुण उदयपाल चौधरी चुनावी मैदान में हैं। ये अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा हरबर लोकसभा सीट में दाखिल किए गए नामांकन पत्र को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अभिषेक ने अपने नामांकन में 2,32,00,000 रुपए का कुल चल संपत्ति का उल्लेख किया है। चुनावी हलफनामों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने वाला है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, वो प्रदेश की रीढ़ माने जाने वाली क्षेत्र यानी कि मध्य क्षेत्र में आते हैं। चौथे चरण में मतदान अपने मतदाता के जरिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत यूपी के कई दिग्गजों की तकदीर का फैसला करेंगे। वहीं कन्नौज के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। तो वहीं कई सांसद चुनावी जीत को हैट्रिक बनाने के लिए रण में उतरे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा और पत्रकार एन राम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट के न्योता को स्वीकार किया है। वहीं राहुल ने कहा कि मैं किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री से जनता के मुद्दे पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं, पर मैं जानता हूं कि वह मुझे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, आगे भी उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहते तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ डिबेट कर सकते हैं। मतलब कि राहुल गांधी ने मोदी को डराने के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर के अलीगढ़ में दौर के निरस्त होने के बाद हसरत जिले के अफसरों को राहत मिली। पड़ोसी जिले अलीगढ़ में मुख्य सचिव के आने की सूचना पर हसरत जिले के अधिकारी परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए और पत्रावली को खंगालने और उन्हें पूरा करने में जुट गए। अफसरों ने अलीगढ़ रोड में स्थित नगर वन भ्रमण करने की निरीक्षण प्रस्तावित किया था। आइए दोस्तों, अगली न्यूज को देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई भाई को लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लोग समझ गए हैं। मैं लिख कर दे सकता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाजपा की 180 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो ही पीएम बन सकते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सीएम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत मिल गई है। तिहाड़ी से बाहर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 मई को कैटन प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर गए थे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने के लिए अपील भी की थी। साथ ही केजरीवाल ने बताया था कि वो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही डेली न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है।